बरसाना के राधा रानी मंदिर में 6 माह की पूजा को लेकर एक बार पुनः विवाद शुरू हो गया है। माया देवी पक्ष को SDM के आदेश पर सेवा दिलाने गए तहसीलदार और इंस्पेक्टर विवाद की स्थिति देखकर बैरंग लौट आए। मंदिर के गेट पर अंदर न घुसने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। आपको बताते चलें कि बरसाना के सुप्रसिद्ध राधा रानी मंदिर पर सेवा पूजा समय समय पर बदलती रहती है। सभी सेवायतों का सेवा का समय निर्धारित है। सेवायतों के 3 थोक हैं जो समय समय पर अपनी बारी आने पर मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। ये विवाद अक्षय थोक का है। आपको बता दें कि अक्षय राम थोक के हरवंश गोस्वामी की 2 पत्नियां गुलाब देवी और माया देवी थी। गुलाब देवी और हरवंश गोस्वामी में कोर्ट के हक को लेकर मुकदमा चला, जिसमें कोर्ट ने माया देवी को रखेल माना। सन 1999 में हरवंश गोस्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद सेवा को लेकर माया देवी और गुलाब देवी में सेवा को लेकर विवाद चलता रहा। गुलाब देवी की मौत हो जाने के बाद माया देवी और थोक के अन्य हिस्सेदारों में विवाद होने लगा। सिविल कोर्ट छाता ने माया देवी के पक्ष में सेवा पूजा को लेकर स्टे दे दिया। उसी आदेश को SDM गोवर्धन के समक्ष पेश किया गया, जिस पर SDM गोवर्धन संदीप वर्मा ने माया देवी को सेवा दिलाने के लिए तहसीलदार गोवर्धन मनोज वासने और थाना प्रभारी मुकेश कुमार मलिक को आदेश पारित किया कि माया देवी को सेवा दिलाई जाए, जिस पर दोपहर में तहसीलदार मनोज वासने इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मलिक माया देवी को सेवा दिलाने के लिए लाडली जी मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से सेवा कर रहे रास विहारी गोस्वामी ने राजभोग आरती के बाद मंदिर के गेट ये कहते हुए बंद कर दिए कि हाई कोर्ट ने सन 2019 में माया देवी को हरवंश गोस्वामी की पत्नी नहीं माना है, उसको सेवा का कोई अधिकार नहीं है। सेवा लेने गए लोगों को मंदिर के गेट से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और मंदिर के गेट बंद कर दिए गए। सेवा दिलाने गए तहसीलदार और इंस्पेक्टर गेट खोलने की कहते रहे, लेकिन सेवायतों ने मंदिर के गेट नहीं खोले। मंदिर के गेट आधा घंटा तक नहीं खुले तो तहसीलदार और इंस्पेक्टर मंदिर से वापस आ गए। बरसाना के आसपास के क्षेत्र में राधा रानी मंदिर की सेवा के विवाद के इस विषय में तमाम चर्चाएं व्याप्त हैं। SDM के आदेश का पालन कराने के लिए गए पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को वहां से वापस लौटना पड़ा। क्या कुछ आज विवाद हुआ है श्री जी मंदिर पे? हाँ, विवाद हुआ है। क्या विवाद हुआ था? विवाद होता है, हम गए थे मंदिर सेवा लेने के लिए अपनी नंद को लेकर, इनका अधिकार है सेवा का, तो प्रशासन भी थी संग में और इनको चढ़ने नहीं दिया ऊपर, और फिर हमारे भी बच्चे थे 8-10, तो वो भी लेने गए तो डंडा लाठी चलाने लग गए। 1-2 बच्चे के लगी भी है और हमारे भी लगी, धक्के दे दिए हमको। 40 लेडीज थी वहाँ। कितने वर्षों से सेवा चलती आ रही है? 40 साल से देखते आ रहे हैं हम सेवा, और इन्हीं का अधिकार है। कुछ ये लग गए हैं गुंडे हमारे पीछे, इलाज भी मुझे हो गई इनकी सेवा, ये कह सकते हैं बहुत हो गए, इलाज है हो रहा है और देखते हैं इनका सेवा खराब हो चुकी है पहले, अब फिर भी इनको सदमा लग गया है। पता नहीं ना तो रास व्यारी गुंडागर्दी से अपनी कोई आदेश वगैरह सब कुछ कोर्ट का आदेश सब कुछ हम पे है, फिर भी प्रशासन उनकी गाली सुन के अपने घर आ गया, थाने आ गए, हम घर भेज दिए कि जाओ सेवन। आपके पास कोर्ट के आदेश भी थे? हाँ, कोर्ट के आदेश हैं और ये कोर्ट से खारिज हैं और ये भी इतनी वो कर रहे गुंडागर्दी, क्या है क्या ये बुजुर्ग कब, इनको पूरे बरसाने में पता नहीं 6 महीने की मालके ने, और जब से हम 14 साल जब से यही सेवा उनके खत्म होने के बावजूद भी यही सेवा करती आ रही है। माया देवी जी की लगभग कितनी उम्र होगी? 80 साल। 80 साल है। आज मंदिर गई माँ में चढ़ाना दही दिन एक चंडी नहीं चढ़ा दही उल्टी बगदा थी। क्या आपके पास कुछ आदेश भी थे? कोर्ट के हैं माँ। मैं फिर क्या आपको वहाँ पे मिला कैंप सुनने को? नहीं सुनने को, बगदा जाओ ने आकर सुना है। तो आपके साथ अधिकारी भी साथ थे? हाँ, अधिकारी थे सब। गाली वालों को घुसने नहीं दिया, गुस्सा नहीं आती है, गाली दी उन्होंने, गाली दी उल्टे बग जाए। वो चाहते तो सेवा दिला सकते थे, गाली खा के वापस आ गए नीचे। हाँ, एक चंडी तो चढ़ेगी तो गाड़ी में वापस गाड़ी लौट के। कितनी महीने की ये सेवा का विवाद है? 6 महीने की। 6 महीना की है, मैं अकेली। तो आपके पति के समय से सेवा चली आ रही है? हाँ, जब पहले थे इनके सामने थे। तो आप उनके सामने भी आप सेवा में अधिकारी रही? हाँ, अधिकारी रही, उनके बाद भी अधिकार रहे, बाद ना तो कर रहे। एक मिनट, दोबारा बनाएंगे।